यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है ये वे नहीं जानते। उनसे अपील की है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ सत्ता के लालच में माफिया गुंडा दंगाई किसी को भी अखिलेश यादव सपा में शामिल कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा और आस्था से खिलवाड़ करना इनकी पुरानी आदत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना या करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया, मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं। मैं कहता हूं ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है।